हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 है, घर की तलाश। कटते जंगल ने वन में रहने वाले पशुओं के लिए निवास की समस्या उत्पन्न कर दी। इस पाठ में जंगल के राजा अपने घर की तलाश के विषय में बताते हैं और हमें घटते जंगलों के बुरे प्रभाव पर सोचने को मजबूर करते हैं। मेरा नाम वनराज है, मैं बिल्ली प्रजाति का हूँ। मैं 2.5 वर्ष का हो गया हूँ, शीघ्र ही वयस्क हो जाऊँगा। मुझे 30 से 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का छोटा सा घर चाहिए। मेरी समस्या कोई सुने और मुझे एक घर आवंटित करा दे, क्योंकि दुधवा के जंगल कट रहे हैं, मैं भी विस्थापित हो गया हूँ। मैंने जोर से दहाड़ मारकर मुझे देखने आए सैलानियों को अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। 6 महीनों तक 600 सैलानियों से मैं मूछ नीचे कर मिन्नता करता रहा, उनसे आंख मिचौली कर उन्हें खुश करता रहा, लेकिन सबने मुझे देखा, मेरी दास्तान सुनी और मुंह फेर कर चले गए। मैं फिर सैलानियों से कतराने लगा। दुधवा में आए सैलानियों को देखकर मैं झाड़ियों में छिप जाता और उनके सामने नहीं आता। मैं छिपकर उनकी बातें भी सुनता। एक दिन कुछ सैलानी आपस में बातें कर रहे थे, मैंने उनकी तरफ कान लगा लिए। वे कह रहे थे, विस्थापितों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। मैंने सब सुना, खुशी से मैं फूल कर कुप्पा हो गया, मेरी समस्या का निदान हो गया। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए सोचा तो मैं दहाड़ मार कर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैंने निश्चय किया, मैं बोलूंगा, जंगल कटते जा रहे हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए, हमें घर दो, यह हमारा नारा होगा। दुधवा में बैठकर कुछ नहीं होगा, राजधानी जाना पड़ेगा, वहीं मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। वहाँ फार्म भरूंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और सबसे फरियाद करूंगा। घर तो हासिल करके ही रहूंगा, मेरा सपनों का घर। मैंने प्रदेश की राजधानी की ओर कूच कर दिया। सड़क का रास्ता जानता नहीं था, मैंने गोमती नदी का मार्ग पकड़ा, उसके किनारे किनारे चला। पहले पीलीभीत पहुंचा, फिर सीतापुर, झुरमटों में लुकता छिपता राजधानी लखनऊ के सीमा क्षेत्र में पहुँच गया। मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है, तभी मुझे भनक लगी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोटी सी बात थी, मुझे भूख लगी थी और मैंने एक बकरी को आहार बना लिया था। बुरा हो इस आदमजात को, मैं छिप छिपा कर चुपचाप बिना आवाज किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था। फिर भी शोर मचाने लगे, शेर शेर। मुझे एहसास हो गया कि पुलिस और वनकर्मी भी मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे पुलिस की मुस्तैदी पर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे परिवार वाले न रोए होंगे, नहीं हमें ढूंढा होगा, उन्होंने पुलिस में एक FIR भी नहीं लिखवाई होगी। फिर पुलिस मुझे ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़ी, मुझे क्यों पकड़ेगी, जिसने कोई अपराध किया ही नहीं। मैंने निश्चय किया कि मैं सबको खूब छकाऊंगा, मेरे कारनामे देखकर सबके दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। शोर मचाने वाले इन आदमियों को जरा भी अक्ल नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि तमाम वनवासी हम वन प्राणियों के साथ पड़ोसी बनकर जंगल में विचरते हैं, तो हम पशु क्यों नहीं शहरों में उनके पड़ोसी बनकर रह सकते हैं। अरे मनुष्य इतना भी नहीं समझते, तुम जंगल में घूमने और हमें देखने आ सकते हो, तो क्या मैं शहर घूमने तुम्हें देखने नहीं आ सकता। जरा वनराज की बात समझो, मनुष्यों वनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा पर पहुंच गया। लखनऊ नवाबों की नगरी, मुझे मेरी दादी माँ से सुनी कहानी याद आई। नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे, बड़ा भयावह दृश्य होता था, लेकिन अब उनके दिन लद गए, अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मनुष्यों ने भी हम पशुओं की प्रवृत्तियों को अपना लिया है। पुलिस तथा वनकर्मी के साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं, जीवन संघों के सदस्य भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये हमें घर आवंटन के लिए न फार्म खरीदने देंगे, न रजिस्ट्रेशन करवाने देंगे, कैसे मिलेगा मुझे घर। लाखों मनुष्यों में से एक तो मेरी आवाज़ सुनो, वह हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े हैं
और मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूं। झुरमुट और दलदल पार करता मैं गोसाईगंज के जंगलों में छिपता फिरने लगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपा था। तभी मेरी आंखों ने पेंसिल टॉर्च जैसी रोशनी से किसी को हिलते डुलते देखा। मैंने लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। वह मेरा भोजन पशु नहीं, मनुष्य था। क्या करूं, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? ये आदमी भी तो विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य को शिकार बनाया? फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन बकरी, सुअर या कोई और पशु मिल जाता तो मनुष्य को छूता तक भी नहीं। मैं जानता हूँ मनुष्य जाति मुझे अब आदमखोर की संज्ञा देगी। हाँ, मैं आदमखोर हो गया हूँ। तुम भी तो क्या पशुखोर नहीं, उससे भी ज़्यादा हो। पशु तो पेट भरने के लिए परभक्षी बनते हैं, तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए पशु अंगों का व्यापार भी करते हो। कितने बड़े व्यापारी हो तुम अंगों के। हम न मनुष्य को और पशु पक्षियों को बंधक बनाते, तुम पशुओं को तो क्या अपनी प्रजाति के बच्चों तक को बंधे बनाते हो, बेचते हो और उनके अंगों को व्यापार भी करते हो। फिर भी मनुष्य जाति अपने को सभ्य कहती है। क्या सभ्य कहलाने की यही परिभाषा है? मैं सब कुछ समझ गया हूँ। कोई मनुष्य वनराज की आवाज़ सुनने वाला नहीं, मुझे घर आवंटन करवाने वाला कोई हमदर्द नहीं, सब मेरे घरों अर्थात जंगलों को काटने वाले हैं, जंगल बसाने वाला कोई नहीं। इन स्वार्थियों को तो कमाई करनी है। मनुष्य के बराबर हमारे अधिकारियों की पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं और सुनवाई करने वाला कोई जज भी नहीं। यदि कोई मेरी जैसी लुप्त होती दूसरी प्रजाति के प्रति गंभीर चिंतक है तो मुझे घर आवंटित करवाए ना। मुझे राजधानी से दूर हड़का दिया है। मैं फैजाबाद के संरक्षित वन क्षेत्र में भटक रहा हूँ। वे मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। 4 माह हो गए हैं मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मैं अकेला और मेरे प्राणों के प्यासे 100 सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने भी हार नहीं मानी है। मैं थक जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इन सबको खूब छकाऊंगा। मुझे बचाओ की आवाज़ बहुत लगा चुका अब और अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा मैं। मनुष्यों की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिर गए। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। मैं अपना अंत जानता हूँ। मैं घायल हो गया हूँ लेकिन कायर नहीं। ए मेरी जान के दुश्मनों, वनराज की दहाड़ सुनो। जब तक सांस है लुकता छिपता भागता रहूँगा, तुम्हें छकाता रहूँगा। जब तुम अपने इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंगों को मानव कल्याण के उपयोग के लिए ज़रूर लगाना। हम पशु दधीच के अनुयायी हैं, यह न भूल जाना। यह मेरी अंतिम इच्छा है। अलविदा।